अत्याचार का विरोध करते हुए गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट। ईरान में पुलिस द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर समूचे विश्व में हो रहे प्रदर्शन को लेकर यूपी के महोबा में भी महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग ने विरोध शुरू कर दिया है। भारी संख्या में गुलाबी गैंग की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। महिलाओं ने राष्ट्रपति से मांग की है कि देश की सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करे और दबाव बनाए ताकि वहां पर महिलाओं का अत्याचार बंद हो सके। ईरान में महिलाओं के हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सरकार से ईरान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए दबाव बनाने की मांग की। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले के बाद अब कई मुस्लिम देशों में विरोध किया जा रहा है। खाड़ी देशों में महिलाओं द्वारा किया जा रहा विरोध अनियंत्रित होता जा रहा है, जिससे हाल में ही एक 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई। गुलाबी गैंग संगठन के जिला कमांडर ने कहा, हिजाब की अनिवार्यता का फैसला सरकार का सराहनीय कदम है और हम सभी महिलाएं इस पर समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि वह ईरान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार पर दबाव बनाए ताकि वहां पर महिलाओं पर अत्याचार ना हो। बहन जी, किस बात को लेकर आप लोग कलेक्ट्रेट आए हो इतनी बड़ी संख्या में, क्या है? इस बात को लेकर आए, जो ईरान में जो बेटियों के लिए हिजाब पहनने में हो रहा है, जबकि जिस बेटी को मारा है, जिस महिला को, वो हिजाब पहले से पहने हुए थी, हल्के से उसके बाल दिख रहे थे, तो उसमें उनको मार दिया और एक हफ्ता वो कोमा में डली रही, आज वो ख़त्म हो गई। ये गुलाबी गैंग महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती है। अगर मान लो किसी महिला को हिजाब पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ के सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरफ से आप अत्याचार करेंगे महिलाओं के ऊपर, क्या महिलाओं को ख़त्म कर देंगे, मार देंगे? बेटियों के साथ वो अन्याय जो होगा, ये गुलाबी गैंग बर्दाश्त नहीं करेगी। और जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने किया था मुसलमान बहनों के लिए, अपने कहा था, उससे मुसलमान बेटियों को और बहनों को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिली। यही मैं वहाँ की सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह से अत्याचार ना करें। और हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं, वो भी एक महिला है और महिलाओं का बेटियों का दर्द जाने, गुलाबी गैंग इसकी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। सर, अभी एक संगठन आपके पास आया था, समर्थन आप लोगों ने किस चीज के लेकर ज्ञापन दिया? जो महिलाएं हैं फरीदा बेगम, वो गुलाबी गैंग के रूप में एक संगठन अपना रखे हुए हैं, उनके द्वारा ईरान में महिलाओं के प्रति अत्याचार के संबंध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सेवा में ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में कार्रवाई करते हुए महामहिम की सेवा में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।